हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ब्लॉग्स का पहला वीडियो है और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाहर का मौसम दिखा तो चलिए मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा मौसम है। तो इस बारिश के मौसम में तो पकौड़े बनाना तो बनता है। चलिए फ्रेंड्स, किचन में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं बनाऊँगी प्याज की पकौड़ी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में ही हस्बैंड ने बोला था कि प्याज की पकौड़ी बनाओ, तो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। तो इसलिए अब मैं, ये इवनिंग का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा कि लाओ अब मैं बना देती हूँ। अब मैं तो यहाँ पे मैं प्याज को कट करके अच्छी तरीके से धुल कर रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छी तरीके से धुल लिया है। अब इसे हम बारीक बारीक कट करेंगे। तो हमें लंबे साइज में ही कट करना है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में नहीं करना है। तो इसी तरीके से हम सारे प्याज को कट करेंगे। प्याज की पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे प्याज को कट कर लिया है। अब इसको कट करने के बाद हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को एक थाली में रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है। अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसे आप कट करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने कट करके इसलिए नहीं डाला है कि बच्चों के मुँह में आता है तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमने ग्राइंड किया है। अब यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया, हमने मिर्ची को ग्राइंड कर लिया है, लहसुन और मिर्च अब इसके अंदर हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है राजधानी बेसन, आप कोई सा भी बेसन ले सकते हैं, वैसे तो चने का बेसन ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, बेसन को हम डाल देंगे प्याज में। और इसमें हम डालेंगे मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लहसुन मिर्च का पेस्ट ले लिया है, अब इसे भी हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ पे मैंने लिया है आधा टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने जीरा भी डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करते समय हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले पहले हम इसे मिक्स करेंगे और पानी हम बाद में थोड़ा सा डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, पानी थोड़ा ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो बहुत ही हल्का सा पानी हमने डाला है, 2 टेबल स्पून डाला होगा बस पानी। और इसे हमने अच्छी तरीके से मसल मसल के इसे मिक्स कर लिया है। तो देख सकते हैं, अगर ज़्यादा बेसन डाल दो ना तो प्याज का स्वाद नहीं आता, इसलिए बेसन ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। इसी तरीके से पकौड़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया हमने पहले इसलिए नहीं डाला कि मिक्स करते हुए इसमें धनिया का पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हमने बाद में मिक्स किया है। तो यहाँ पर मैंने देखिए कितने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसमें धनिया भी पूरे अच्छे तरीके से पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई। तो कढ़ाई हमने गैस पे रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा है। जब तक आप बाकी की कुछ, एक तरफ मैं चाय रख देती हूँ, चाय जब तक पकेगा तब तक पकौड़ी भी तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं कढ़ाई ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने एक डाल के देखा है कि तेल गरम हुआ है कि नहीं, तो तेल बहुत अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारी पकौड़ी डालेंगे और पकौड़ी हम तल के निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी पकौड़ी डाल दूँगी इसमें।
प्याज की पकौड़ी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी पकौड़ी डाल दी है और अब हम इसी तरीके से एक तरफ से पकने देंगे। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे हम पलट देंगे। अगर हम पहले पलट देते हैं तो सही से पकौड़ी नहीं बन पाती है। तो देख सकते हैं आप एक तरफ से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम पलट देंगे तो अच्छी तरीके से चारों तरफ से सिक जाता है। तो फ्रेंड्स आप किस चीज़ की पकौड़ी बनाने वाले हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे प्याज की पकौड़ी बन चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी निकाल ली है, जब तक चाय हमारी पक चुकी है। तो यहाँ पे हमें सारी पकौड़ी हमने तल के निकाल लिया है और अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा बारिश की वजह से सिल गया है। चाट मसाला डाल दो पकौड़ी के ऊपर तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए फ्रेंड चाय भी पक चुकी है, अब हम चाय भी छान लेते हैं। हाय गाइस, देखो आज मेरी वाइफ ने, मैंने आज मॉर्निंग में ही कहा था भी बारिश हो रही है तो कोई पकौड़े वगैरह कुछ बनाइए। तो देखिए आज चाय और पकौड़े की पार्टी हो रही है और देखने में बड़े ही कुरकुरे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। खा के देखते हैं कि इसके साथ चटनी अगर होती तो और ज्यादा अच्छा होता। चटनी बनी है? टमाटर सॉस लाऊं? अच्छा नहीं, वो केचप ले आओ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही देखने में क्रिस्पी। ये लीजिए। थैंक यू। जितनी देखने में क्रिस्पी है उतना ही खाने में इसमें ऐसे आवाज आ रही है। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी पकौड़े खाइए। इसके तो लीजिए फ्रेंड्स, आप भी पकौड़े खाइए और हम भी खा के देखते हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।